देखिए गुरु जी के कितने कैसे गुण, सबसे प्यार, सबसे हंस के मिलते, सबको गले लगाते, सबके दुख दूर करते, बस प्यार से उनको याद करिए, हर पल वो आपको महसूस करा देते कि वो आपके साथ साथ। ऐसी गुरु जी की चरण सेवा कर रही थी मैंने 10 साल, संजय जी उनकी चरण सेवा ही की है, मैं कहीं गुरु जी के साथ ज्यादा गई नहीं ना, मैं और किसी तरह से गुरु जी के साथ कोई समय बिताया, लेकिन मैं समझती हूँ उन्होंने मुझे अपने चरणों में बिठा लिया, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ है ही नहीं। एक दिन चरण सेवा कर रही थी तो गुरु जी ने कहा मलि आंटी आज तू मांग, तुझे क्या चाहिए। मैं तो हक्की बक्की उनकी शक्ल की ओर देखने लगी, मैंने कहा गुरु जी मेरे पास आप हैं, मुझे क्या चाहिए गुरु जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते नहीं फिर भी मांग। मैं सोचने लगी मांगू तो क्या मांगू, कैसे मांगू, क्या कहूं, इतनी समझ कहां कि ईश्वर पूछ रहा है तू मांग और मैं मांगू तो क्या मांगू। फिर भी मैंने वही जवाब दिया, मैंने कहा गुरु जी आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थर्ड टाइम उन्होंने कहा मंगला है मंगला है। मैंने ये सुना था गुरु जी के मुंह से किसी को कहते हुए कि महापुरुष 3 बार ही कहते हैं, किसी बात को 3 बार कहते हैं। मैंने कहा ये तो थर्ड टाइम गुरु जी ने कहा है, अब तो मुझे कुछ मांगना ही पड़ेगा। तो जितनी मेरी समझ थी उस समय जो कुछ भी मेरे को समझ आया, मैंने कहा गुरु जी उनका हाथ पकड़ के मैंने कहा गुरु जी आप इतना कह रहे हैं तो बस एक ही बात मांगती हूँ कि मैं जब भी आपको याद करूं आप मेरे पास आ जाइएगा। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कहा प्रॉमिस। तो संगत जी वो हर पल मैं उनको महसूस करती हूँ और वो खुद कहते थे तू 24 घंटे मैंनु याद कर दी है तो 24 घंटे मैंने तेरे नाल रहना पैंदा है हर पल। ये तो कोई भी सच्चे मन से याद करिए आप महसूस कर लेंगे उनको कि वो आपके पास हैं। ऐसे तो हमें उस समय हमें पता ही नहीं चला था कि हमें मिला क्या है, समझ ही नहीं आ रहा था उस समय। पहले तो गुरु जी करके सोचते थे कोई साधु पुरुष हैं, महापुरुष हैं, बहुत ऊंचे लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे बाद में पता चला वो तो ईश्वर है, परमात्मा है, सदा साक्षात शिव है। कैसी कैसी बीमारियां, कौन से चमत्कार हमने ऐसे देखे हैं उस दरबार में। शुरू शुरू में कई लोगों कई किसी को बताते थे तो सब सोचते थे कि हाँ ऐसे ये लोग बड़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं, मन से कहानियां बनाते हैं। लेकिन संगत जी हम जो भी कहते हैं उसमें एक शब्द भी गलत नहीं और झूठा नहीं, ये ईश्वर की गुणगान है, उसकी महिमा है। हम तो कुछ भी नहीं कह पाते, जो वो बुलवाता है वो ही कह पाते हैं। सत्संग भी करने के लिए होता है, जब भी बोलना चाहती हूँ बस गुरु जी को मन में कह लेती हूँ गुरु जी आप ही बुलवा लीजिएगा, मुझमें तो ऐसी कुछ है नहीं, ना वो वाणी है ना वो शब्द मिलते हैं कि सुंदर सुंदर शब्द, लेकिन मुझे पता है भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं। आप टूटे फूटे शब्दों में भी अपने मन के भाव कहेंगे ना वो बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं और उसी पल सुनते हैं। कमी है तो बस हमारे अंदर ही है ना, उनमें तो कोई भी कमी नहीं है। सच्चे मन से सच्चे प्यार से उन्हें पुकार लीजिए, याद कर लीजिए, उसको देख लीजिए, उनकी बातें कर लीजिए, तो बस पूजा हो गई। गुरु जी ने हमें कभी कोई रीति रिवाज ये करो वो करो पाखंडों से तो हमेशा गुरु जी दूर रहने को बोलते थे। आज गुरु जी के नाम पे भी बहुत कुछ हो अपने मन से सब लोग कर रहे हैं, ठीक है आप सोचते हैं गुरु जी की दुनिया है हम क्यों सब, हमें चिंता करने की क्या जरूरत, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है वो जाने वो अपने आप देख लेंगे। हमें क्या करना है, हमें कैसे चलना है, हमें क्या सोचना है वो हमें बस अपने खुद को देखना है, हमें किसी को नहीं देखना है। और हमेशा याद रखना है कि हम हैं किसकी संगत, किसके चरणों की धूल हैं हम। तो बस हमेशा बहुत मैं तो कहती हूँ हम लोग तो पता नहीं क्या किया था पिछले जन्मों के, हम सब जो बैठे हैं ये गुरु जी के चरणों में तरह तरह की फूल हैं और सबकी अपनी हर संगत की अपनी खुशबू है, अपनी भावना है, अपने उनके अनुभव है,
आजकल तो यूट्यूब में सत्संग सुन सुन के सच कह रही हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इज इट पॉसिबल। उस समय हम लोग मन में सोच रहे थे, सत्संग तो इज इट पॉसिबल में हम लोग कहते थे, तो गुरु जी कहते थे इम्पॉसिबल वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो संजय जी, मैं बॉम्बे में रहती थी तो गणेश जी की पूजा बहुत करते थे ना, जैसे महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा बहुत करते थे, तो हम गणेश जी की पूजा यहाँ आके भी करते थे जैसे 10 दिन तक। और मैंने बहुत तरह तरह के गणेश जी मैंने अपने घर में सजा के रखे थे, तो मुझे